पुरुषोत्तम मास महात्म चतुर्थ अध्याय। जैसा कि हमने पहले जाना था कि इस पुरुषोत्तम मास में कोई भी शुभ कार्य करने वर्जित कर दिए जाते हैं, वहीं उसी के साथ साथ इस माह में किए गए धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों का महत्व उतना ही अधिक बढ़ जाता है। अतः हमें इस माह को नियम भाव से अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाने के लिए उपयोग करना चाहिए। कल अध्याय 3 में हमने सुना था कि किस तरह मल मास दुखित और पीड़ित होकर दीन बंधु नारायण के पास पहुंचते हैं, उनसे अपने दुखों का अंत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब आगे सुनते हैं। नारायण बोले, हे नारद जी, मैं लोक हित के निमित्त भगवान हरि से अधिक मास ने जो कहा सो कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। मास ने कहा, हे नाथ, हे कृपानिधि, हे हरे, मैं मल मास बलवानों से पीड़ित होकर यहाँ आया हूँ। आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे उन लोगों ने शुभ कार्यों से वंचित कर दिया है, अनाथ और हमेशा घृणा से देखा है। अब आपकी वे दयालुता कहाँ चली गई? सिर्फ मेरे लिए ही ये कठोरता कैसे आ गई? हे प्रभु, जैसे आपने अग्नि रूप दुष्ट कंस से जलती हुई देवकी की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा तुम क्यों नहीं करते? हे दीनवत्सल, जैसे दुशासन के दुख से द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? कृपया करके बताइए। हे प्रभु, जैसे आपने यमुना के कालियादेह में नागराज के महाविष से गोप और गोहों की रक्षा की, वैसे ही हे रक्षक, हे दीन बंधु, मुझ दीन की भी रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे ग्वालों और उनकी स्त्रियों की दावानल से जलते समय वन में रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन बंधु, जैसे आपने जरासंध की कैद से बंदी राजाओं की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन प्रतिपालक, जिस प्रकार ग्रहा के मुख से गजराज की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा तुम क्यों नहीं करते? इस प्रकार भगवान से अपने करुण शब्दों को कहता हुआ स्वामी रहित मलमास श्री कृष्ण भगवान के आगे आंसू बहाता हुआ उदास होकर चुप हो गया। अब अत्यंत द्रवित होकर कृपालु हरि आगे खड़े हुए मलिन मुख मलमास से बोले, हे पुत्र, तू अत्यंत दुखी है। तेरा ऐसा क्या दुख है जिससे इतना पीड़ित हो रहा है? तू सोच मत कर, मैं तेरे दुखों का अवश्य ही निवारण करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम महादुखी और महापतित भी कोई सोच नहीं करते, फिर तू यहाँ आकर इतना सोच में क्यों डूबा हुआ है? तुझको दुखी देखकर यहाँ के वैकुंठवासी विस्मृत हो गए हैं। तू क्यों मरने की इच्छा करता है, वो सब मुझसे कहे। नारायण भगवान के ऐसे प्रिय वचन सुनकर मलमास जैसे सिर पर बोझा उतारकर कोई लंबी लंबी सांसें भरता है, इस प्रकार लंबी सांसें भरता हुआ मधुसूदन भगवान से कहता है, हे प्रभु, आप घट घट के वासी हैं, आप सब जानते हैं और आकाश की भांति संसार में व्याप्त हैं। आप चराचर पति विष्णु हैं, सबके साक्षी विश्व दृष्टा हैं। आप निरंजन निराकार रूप में रहकर सब प्राणियों की अवस्था में स्थित रहते हैं। सो हे जगन्नाथ, आपके बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे की पीड़ा को नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी मुझ अभागे की पीड़ा को क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी बंधन में बंधा हुआ जैसा कष्ट किसी को भी नहीं हुआ,
न सुना न देखा, सो आपसे कहता हूँ। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन, रात आदि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा अभय हो आनंद करते हैं। किंतु मेरा न कोई नाम है, न कोई स्वामी, न कोई आश्रय स्थल है, इसलिए उन सब अधिपतियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया है कि यह मलमास शुभ कार्यों में निषिद्ध है, अंधा है, पतन के गर्त में गिरने वाला है। अतः मैं मरना चाहता हूँ, अब मैं और जीना नहीं चाहता। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। नित्य जलता हुआ कैसे मैं सुखपूर्वक सो सकता हूँ? अब इसके आगे महाराज मेरे पास कुछ भी कहने के लिए बाकी नहीं है। आप दूसरों के दुखों को कदापि नहीं सह सकते, आप तो परोपकार परायण हैं। इसी कारण वेद पुराणों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। अब आप अपने धर्म को देखकर जो चाहो सो करो। आप महाप्रभु हो और मैं तुच्छ मनुष्य की भांति बार बार कहने योग्य नहीं। हे नारद, और ऐसा मैं मरूंगा कहते हुए वह शांत हो गया और शीघ्र प्रभु के निकट धड़ाम से गिर पड़ा। उसको इस प्रकार गिरते हुए देखकर सारी सभा विस्मित हो गई। नारायण बोले, अधिमास के ऐसे शांत होने पर महाकृपालु श्री कृष्ण भगवान शरद चंद्र की किरण के समान शीतल और मेघ के समान गंभीर शब्द से शोभायमान वचन कहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वेद की रिद्धि में तत्पर पाप समूह का नाश करने को बड़वाग्नि के समान ऐसे आदि पुरुष भगवान के वचन सुनने की इच्छा वाले नारद जी प्रसन्न मन से कहने लगे। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा चतुर्थ अध्याय समाप्त। कल हम पुरुषोत्तम मास महात्म के अध्याय 5 की कथा सुनेंगे।